के बगीचा अमरुद निसियानी लंगटे नहौला जवन पोखरा के पानी कबो भूलई ह नहीं बीतल समैया रखी ह तू याद अपन टूटल मरैया उ माटी ना छोड़ी हा कबहू हो उ माटी ना छोड़ी हा जन हरियाइल तोरी पाँव रे मत भूलैया परदेसी अपन गाँव रे। नमस्कार प्रणाम। अभी हम मौजूद हैं ऐसे सिंगर के पास कि भैया उसका सॉन्ग सुन के आप भी दीवाने हो जाएंगे। कहीं ना कहीं यह लगातार सॉन्ग गाए हैं, लगातार इसकी आवाज को लोग पसंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से यह गा नहीं पाते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म से दूर रहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने आवाज को बरकरार रखते हैं। एक छोटा सा गांव से है, एक छोटा सा सुदूर क्षेत्र से है, इसलिए इसको प्यार दुलार उतना नहीं मिल पाता। आप लोग ऐसे ऐसे कलाकार के बारे में क्या सोचते हैं वह बताइएगा और बिना देर किए हुए उनसे हम बात करवाएंगे और उसकी आवाज जब आपको अच्छा लगेगा तो कहीं ना कहीं प्यार दुलार दीजिएगा। सबसे पहले ताबड़तोड़ न्यूज में भैया आपका स्वागत। जी धन्यवाद। और ताबड़तोड़ न्यूज देखने वाले सभी दर्शक को दिल से मेरा प्रणाम। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ भाई? सर मेरा नाम सिंगर राजेश रसिया। सिंगर राजेश रसिया जी, अच्छा सुन रहे हैं कि आप भोजपुरी हिंदी मैथिली सब गाना गा लेते हैं जी। इनसे पहले आप मैथिली में मेरे चैनल पे आप इंटरव्यू भी दिए थे जी जी, लेकिन सुने हैं आजकल हिंदीओ गाते हैं जी। हिंदी भी गाते हैं, गा लेते हैं जी सर। चलिए एगो हिंदी गाना सुनाइए हमारे दर्शक। जी जरूर। वो जो आँखों से है, वो जो आँखों से एक पल ना उजल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना उजल हुए, लापता हो गई देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितनी मासूम थी, सोचता हूँ कि वो कितनी मासूम थी, क्या से क्या हो गया देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितनी मासूम थी, सोचता हूँ कि वो कितनी मासूम थी, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाते हैं। हमें तो यह लग रहा था कि यह बिहार का बेटा, सुपौल का बेटा बस भैया मैथिली गा लेते हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि ना भैया, यह बिहार का बेटा है। कॉपी करने में टाइम नहीं लगता है, डुप्लीकेट तैयार होने में टाइम नहीं लगता है, और किसी से कम भी नहीं है, क्योंकि बिहार का शेर है भैया। इसलिए इस बिहार का बेटा को उसी प्रकार से प्यार दीजिए, ताकि मैथिली गाते गाते जो हिंदी गा रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदी को भी आगे बढ़ाने में मदद आप कर सकते हैं। बढ़ाइए और इसी प्रकार से प्यार दुलार देते रहिए। इसकी आवाज आपको कैसा लगता है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा सॉन्ग एक भैया गुनगुना। जी जरूर। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की ओहूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। बहुत सुंदर गाते हैं मेरे भाई, जितना भी इसका तारीफ करे कहीं ना कहीं वह कम होगा। आपको कैसा लगता है, इसकी आवाज आपको कैसा लगता है कमेंट के जरिए बताइए। अच्छा भैया, ये हिंदी कहाँ से गाना सीखे हैं? जी मोबाइल से देख देख करके सीखे हैं। मतलब आपस में ही ट्रेनिंग ले लेते जी, हैं जी। गरीबी स्थिति है, इसको देखते हुए खुद ही ट्रेंड होते हैं, खुद ही गाते हैं जी सर। है? तो इसने चलेगा कि भैया आगे भी बढ़ना है? जी जरूर आगे बढ़ेंगे, आशा करता हूँ और उम्मीद भी है कि जरूर एक न एक दिन आगे बढ़ेंगे। और जितने भी मतलब दर्शक लोग है, हमारे भाई बहन, चाचा चाची, सभी से उम्मीद करता हूँ कि एक न दिन, एक दिन बिहार के बेटा को जरूर आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाएगा। और आपको जब उम्मीद है, एक गरीब बेटा को उम्मीद है, एक बिहार की बेटा को उम्मीद है, एक मजदूर का बेटा को यह उम्मीद है कि बिहार के लाल को बिहार के वासी ही आगे बढ़ा सकते हैं, और यह उम्मीद है। आप लोग इसी प्रकार से प्यार दुलार दीजिए। चलिए बिहार के मजदूर के लिए, बिहार के उस ऑडियंस के लिए, बिहार के वह युवा भाइयों के लिए एक सॉन्ग गाइए और दिलरुबा सॉन्ग, ताकि वह भी खुश हो जाए। आम के बगीचा अमरुद निसियानी लंगटे नहौला जवन पोखरा के पानी कबो भूलई ह नहीं बीतल समैया रखी ह तू याद अपन टूटल मरैया
उ माटी ना छोड़िहा कबहू हो, उ माटी ना छोड़िहा जन हरियाइल तोरी पाँव रे। मत भूलैया परदेसी अपन गाँव रे, मत भूलैया परदेसी अपन गाँव रे। जी बहुत सुंदर, और अपने बिहार पे तो भैया यह गाना शूट ही करता है, और कहीं ना कहीं यह भोजपुरी में है, हमारे बिहार वासियों के लिए है, सुपर सॉन्ग है, क्योंकि हम सब इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से पले बड़े हैं, और इसी मिट्टी पे हम सब मरने वाले हैं, मरते मिटते इसी मिट्टी से हैं, और कहीं ना कहीं देशभक्त भी इसी मिट्टी से पैदा होते हैं। तो इसी अंदाज में यह भाई साहब गाए हैं, बहुत ही सुंदर गाना है। आप लोग इस प्रकार से प्यार दीजिए कि भैया इसी प्रकार से गा गा के आगे बढ़े और कहीं ना कहीं समाज के नाम को रोशन करें। लास्ट लास्ट में हमारे ऑडियंस को आप क्या कहिए? जी सभी से उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और हमें आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, प्लीज़ सभी से। इस बिहार के बेटा को जो है ना आप लोग आगे बढ़ाइए। चलिए इसी प्रकार से इसको प्यार दुलार देते रहिए। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अभी देख रहे थे ताबड़तोड़ न्यूज। ताबड़तोड़ अंदाज में ताबड़तोड़ रिपोर्टिंग हमेशा जारी रहती है, जारी रहेगी मेरे दोस्त। इसी प्रकार से प्यार दुलार देते रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। जय हिंद, जय श्री राम।